सो गाइस, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप लैपटॉप्स दैट यू कैन बाय अंडर 40,000 रुपीज़। तो ये बजट थोड़ा सा कम हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमको इस वाले पर्टिकुलर वेरिएंट में लैपटॉप्स इतने अच्छे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। बट स्टिल हमारे पास i3 और Ryzen 3 के ऑप्शंस होंगे, i3 10th जेन में और Ryzen 3 भी उसके सिमिलर प्रोसेसर में परफॉर्मेंस देगा। तो मैं मेरी पर्सनल पिक्स बता देता हूँ कि अगर मैं होता तो मैं कौन से लैपटॉप बाय करता। तो मेरी जो चॉइस है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेल इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी, देन मैं प्रायोरिटी देना चाहूँगा HP को, देन उसके बाद मैं दूंगा लेनोवो को। लेनोवो को मैं कम प्रायोरिटी इसलिए दूंगा क्योंकि उसके सर्विस सेंटर्स वगैरह जो हैं वो भी इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं हैं मतलब कि उसकी जो सर्विसेज है वो सर्विस सेंटर्स उनके बहुत कम हैं। तो वो आज बात ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपके लैपटॉप में कुछ भी दिक्कत होती है तो आपको थोड़ी अनकम्फर्टेबिलिटी हो सकती है उस टाइम के लिए। तो ये हो गई बात। देन डेल के तो वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स हैं ही, और फर्स्ट पिक रहेगी मेरी डेल लैपटॉप्स में डेल 14, जो कि है 2021 मॉडल का वॉस्ट्रो 3401। तो ये 3000 सीरीज़ है डेल की। तो ये पड़ेगा आपको अराउंड 38,000 रुपीज़ का। इसमें आपको i3 10th जेन प्रोसेसर देखने को मिलेगा एंड इसमें 4GB रैम मिलेगी, बट आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर 8GB रैम इंस्टेड ऑफ 4GB। तो आप उसको अपग्रेड करा सकते हैं अराउंड 2-3,000 रुपीज़ में। देन इसमें 1 TB HDD भी देखने को आपको मिल जाएगी। अगेन आप इसको SSD में अपग्रेड करा सकते हैं, अराउंड 2000 आपको इसके एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बट अगर आप ना भी कराएं इसमें तो चलेगा, क्योंकि इट हैज़ 256 GB SSD। देन इसकी 14 इंच की स्क्रीन है जो कि फुल HD डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर। तो अगेन काफ़ी अच्छी डील है ये 38,000 रुपीज़। देन मेरी अगली पिक होगी डेल 15, अगेन 2021 मॉडल इंस्पिरॉन 3511। तो ये भी 3000 सीरीज़ है, अगेन ये है 39,000 का, और इसमें भी जो मेन प्रोसेसर रहेगा हमारा वो रहेगा i3 10th जेन। इसके स्पेसिफिकेशंस कुछ इस टाइप से होंगे, इसमें आपको i3 जो मिल जाएगा वो अगेन 10th जेन मिलेगा। देन वी हैव 8GB रैम प्लस 256GB SSD एंड इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाएंगे आपको विथ FHD डिस्प्ले। तो डिस्प्ले ज़रूर से देख के लीजिए, डिस्प्ले जनरली FHD अच्छे होते हैं डेल के, बट दे वोंट गिव अस दैट IPS पैनल। तो यहाँ पे ये एंटी ग्लेयर करके जो है डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं, बट दे आर स्टिल गुड। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ ये वाला डिस्प्ले, तो इट इज़ प्रीटी गुड एंड कलर एक्यूरेसी इज़ गुड, बट नॉट एज गुड एज IPS डिस्प्लेस। देन हमारा अगला लैपटॉप आता है डेल इंस्पिरॉन 3505। ये प्रोसेसर, ये जो लैपटॉप है इसमें Ryzen 3 प्रोसेसर के साथ आपको ये देखने को मिलेगा, और इसकी प्राइस है अराउंड 39,000 रुपीज़। एंड इसके स्पेसिफिकेशंस अगेन 8GB रैम, 1TB HDD। अगेन आप इसको SSD में चेंज करा सकते हैं, आई वुड सजेस्ट। फिर आपको इसके बाद रेडियन ग्राफिक्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे विद अगेन FHD डिस्प्ले। सो अगेन यहाँ पे सारे डेल के लैपटॉप्स हैं, अराउंड 40,000 की रेंज में भी आपको FHD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो एक वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट डिस्प्ले थोड़ा देख के लीजिए, डिस्प्ले एंटी ग्लेयर है तो ही लीजिए, अदरवाइज़ क्या होगा कि ग्लेयर इतना ज़्यादा आएगा कि आपको डिस्प्ले का उतना मज़ा नहीं मिल पाएगा। देन ये हो गया डेल के लैपटॉप्स। अब मैं आता हूँ HP के लैपटॉप्स पे। तो HP के लैपटॉप्स में हिंजेस का पहले बड़ा इशू रहा है, बट वो उन्होंने सॉल्व कर दिया है, तो हिंज देख के लीजिए। एंड HP में भी हमको Ryzen 3 और इंटेल i3 के चांसेस अवेलेबल हो जाएंगे। सो HP 15 Ryzen 3 प्रोसेसर के साथ हमको देखने को मिलेगा। ये HP 15 इस लैपटॉप का नाम है एंड इसकी रेंज है अराउंड 39,000 रुपीज़। अगेन इसमें फुल HD स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी विद 8GB रैम एंड 256GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। सो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ये बढ़िया थिन एंड लाइट लैपटॉप रहेगा, तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन। मतलब ये बिजनेस और स्टूडेंट लैपटॉप है, इसमें आप हाई परफॉर्मेंस चीज़ें नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली। देन हमारा आता है HP 15 विद इंटेल i3 प्रोसेसर। ये अराउंड 40,000 का है, और एक आप बात नोटिस करेंगे कि तो इंटेल के प्रोसेसर हैं वो महंगे हैं एज कम्पेयर टू Ryzen 3 प्रोसेसर्स, क्योंकि Ryzen 3 जो है मार्केट में नया है, सो दैट्स वाई दे आर चीपर। बट
इसका मतलब यह नहीं कि Ryzen 3 बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। Ryzen 3 का मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस इंटेल के i3 प्रोसेसर से अच्छा है। देन अगेन कमिंग बैक टू स्पेक्स ऑफ दिस HP 15 इंटेल i3, इसमें आपको अगेन फुल HD स्क्रीन मिल जाएगी विथ 8GB रैम एंड 1TB HDD स्टोरेज एंड अगेन विंडोज 10। तो इसमें कोई ग्राफिक्स का सपोर्ट आपको नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। सो ये हो गए ये हो गए HP के लैपटॉप्स। देन कमिंग टू Lenovo लैपटॉप्स, तो Lenovo में हमारा आ जाएगा IdeaPad Slim 3। ये आएगा i3 प्रोसेसर 10th जेन के साथ और इसकी प्राइस होगी अराउंड 38K। अब यहाँ पे Lenovo के लैपटॉप्स जो होंगे वो हमको Dell और HP दोनों से ही रेंज में कम देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि Lenovo जो है थोड़े चीप लैपटॉप्स बनाता है एज़ फार एज़ द बजट रेंज इज़ कंसर्न। सो इसके स्पेसिफिकेशंस में अगेन फुल HD स्क्रीन है एंड 8GB रैम एंड 1TB HDD एंड अगेन विंडोज़ ऑफिस, MS ऑफिस वगैरह तो सभी में आता है। देन इसका ही सेम मॉडल विथ Ryzen 3 प्रोसेसर आपको मिल जाएगा 37K का विथ ऑल द स्पेक्स दैट आर सेम लाइक 8GB रैम, 256GB SSD। ठीक है, उसमें 1TB था बट उसमें भी आप चेंज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन एंड अगेन रेस्ट आर द सेम। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक क्विक पिक जिसमें मैंने आपको बताया टॉप लैपटॉप सेट यू कैन बाय अंडर 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ का बजट है, थोड़ा कम है बट स्टिल यू कैन गेट गुड लैपटॉप्स। थोड़ा स्क्रीन क्वालिटी देख के लीजिए और आपका पर्पस देख के लीजिए। अगर आपका पर्पस कैजुअल है तो यू कैन गो फॉर दिस, अदरवाइज अगर आपको गेमिंग या कुछ भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर ओरिएंटेड वर्क ज़्यादा है तो आई थिंक यू शुड इंक्रीज योर बजट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस अपूर्व साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट।